मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेशंस कोर्ट में 3 साल की सजा सांसद को दी गई तब सेक्रेटरी तब भी मोदी जी पीएम थे, क्यों उसकी मेंबरशिप को रद्द नहीं किया, क्यों उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? इसमें हमारी लीगल टीम कहां से आई? आप सवाल पूछिए भाजपा से। आज उसके बाद वो आदमी हाईकोर्ट जाता है, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने ना कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करवाती है, उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, उसको चैलेंज दिया जाता है कि आगे से आपका ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि ये सजा रोकनी जरूरी है, कि अगर हम इस सजा नहीं रोकते तो जो लोगों ने इनको वोट दिए हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो मुझे ये पूछना है कि दोहले मापदंड क्यों? मैं शुभांकर जी आपके माध्यम से भाजपा को पूछना चाहता हूं कि अगर नारायण काछड़िया को डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती है तो राहुल गांधी जी के मामले में इमीडिएटली क्यों? और इसी का कारण है, इसको डर बोलते हैं। भाजपा का जो डर है वो सर पे चढ़ गया।